हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभय जी के ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को। आज हम सामान्य ज्ञान के राष्ट्रीय दिवस नामक चैप्टर के बारे में 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो कि कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 2 जून, ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी और ऑप्शन नंबर डी 14 मार्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर। आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों में पूछे भी जा चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर। आज का चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दिन केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 24 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी और ऑप्शन नंबर डी 20 मार्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 फरवरी। आज का पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी 3 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। आज का छठा क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 27 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर। आज का सातवां क्वेश्चन है, किसान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 18 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी 23 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 23 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आज का आठवां नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 1 मई, ऑप्शन नंबर सी 5 जून और ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई। आज का 9 नंबर क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी 8 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर।
आज का 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 19 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 23 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर। आज का 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 मई, ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 21 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी 29 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11 मई। आज का 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी 7 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 26 मई, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 14 मई, ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर। डायबिटीज दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। आज का 15 नंबर क्वेश्चन है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी। आज का 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन संचयिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 मई, ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 15 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी 12 नवंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 सितंबर। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 18 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 19 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 20 मार्च और ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 मार्च। आज का 18 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 31 मई और ऑप्शन नंबर डी 18 सितंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21 मई। आज का 19 नंबर क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 8 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर। आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी 25 नवंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर। आज का 21 नंबर क्वेश्चन है,
31 मई किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फादर्स डे, ऑप्शन नंबर बी मदर्स डे, ऑप्शन नंबर सी टीचर्स डे और ऑप्शन नंबर डी एंटी टोबैको डे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंटी टोबैको डे। आज का 22 नंबर क्वेश्चन है, 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। आज का 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी की, ऑप्शन नंबर बी कमला नेहरू की, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू की और ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीबाई की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू की। आज का 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 15 फरवरी और ऑप्शन नंबर डी 25 फरवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी। आज का 25 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 14 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी 24 नवंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 दिसंबर। आज का 26 नंबर क्वेश्चन है, 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रम दिवस, ऑप्शन नंबर बी मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर सी सेना दिवस और ऑप्शन नंबर डी गणतंत्र दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेना दिवस। आज का 27 नंबर क्वेश्चन है, 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सद्भावना दिवस, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी दिवस, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू निषेध दिवस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सद्भावना दिवस। आज का 28 नंबर क्वेश्चन है, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव। आज का 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसने जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? क्वेश्चन होना चाहिए था भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 23 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी को और ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी को। आज का 31 नंबर क्वेश्चन है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर मनाया जाता है। आज का 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी एस राधाकृष्णन और ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस राधाकृष्णन। आज का 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर। 33 आज का 34 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर है। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। आज का 35 नंबर है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। आज का 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विधान चंद राय, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विधान चंद राय। आज का 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शहीद दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये गलत है। आज का 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आज का 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई, ऑप्शन नंबर बी हिंदी दिवस 14 सितंबर और ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 23 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 23 जनवरी। आज का 39 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पक्षी दिवस, सूची एक में ही विकल्प बी है राष्ट्रीय एकता दिवस, विकल्प सी है राष्ट्रीय खेल दिवस और विकल्प डी है राष्ट्रीय युवा दिवस। और सूची दो में है ऑप्शन नंबर एक 12 नवंबर, ऑप्शन नंबर दो 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर तीन 12 जनवरी और ऑप्शन नंबर चार
29 अगस्त, उसके नीचे 4 विकल्प है, आप देख लें और इसमें से बताएं कि कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप देख लेना रिवाइंड करके वीडियो को फिर से, कौन किसका होगा, इसका विकल्प नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 39 नंबर क्वेश्चन, आज का 40 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में है ऑप्शन नंबर ए शिक्षक दिवस, ऑप्शन नंबर बी बाल दिवस, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सक दिवस और ऑप्शन नंबर डी किसान दिवस। सूची दो में है ऑप्शन नंबर एक 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर दो 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर तीन 23 दिसंबर और ऑप्शन नंबर चार 1 जुलाई। नीचे 4 विकल्प दिए हैं, आप देख लें। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी। आज का 41 नंबर क्वेश्चन है, 26 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए वन महोत्सव दिवस, ऑप्शन नंबर बी विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस और ऑप्शन नंबर डी कारगिल विजय दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कारगिल विजय दिवस। आज का 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CV रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 27 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 28 मार्च और ऑप्शन नंबर डी 28 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। आज का 43 नंबर क्वेश्चन है, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रमन प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी ASLV का सफल प्रक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी होमी जहांगीर भाभा का जन्मदिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रमन प्रभाव। आज का 44 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 10 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई। आज का 45 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिलीप सिंह और ऑप्शन नंबर डी CK नायडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ध्यानचंद। आज का 46 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी 12 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर को और ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 नवंबर को। आज का 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी 20 जनवरी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी जाकर लाइक कर दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी। आज का 48 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 11 मई, ऑप्शन नंबर सी 11 जून और ऑप्शन नंबर डी 31 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 31 मई। आज का 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 25 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी। आज का 50 नंबर क्वेश्चन है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 20 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी 16 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर। आज का 51 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऑप्शन नंबर डी वीर सावरकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज का 52 नंबर क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 22 जून, ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल। आज का 53 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 जून, ऑप्शन नंबर बी 17 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी 17 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त। आज का 54 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। आज का 55 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सीवी रमन का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी उसे जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।